एवरीवन, मैं हूँ सुमन गुप्ता। स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो अभी बच रहे हैं बचाओ, ये कैसे 2021 देख रहे हो? 31 का 11:35 और हम न्यूयॉर्क का वेट कर रहे हैं और हर्षु भी हमारी वेट कर रही है। देखिए, और अभी जैसे ही 12 बजेंगे तो हर्षु हम क्या करने वाले हैं, सबको फोन करेंगे और हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, है ना हर्षु? और हम इंतजार कर रहे हैं 12 बजे का। और पापा क्या कर रहे हैं हर्षु? फोन देख रहे हैं ना। फोन में क्या देख रहे हैं? पबजी पबजी फिल्म फिल्म देख रहे हैं। ये देखिए, पति देव अपने लीड लगा कर अपने फिल्म के मजे उठा रहे हैं। न्यू ईयर आने का कोई इनको वो नहीं है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, अपने फिल्म में मस्त है। ये देखिए व्यूअर्स, बताइए कोई न्यू ईयर आने का इनको कोई इंतजार नहीं है, नया साल आने का कोई उनको वो नहीं है, उसके कोई स्वागत कर नहीं रहे, बस अपनी फिल्म में घुसे हुए हैं ही। किरदार हटा लो। ऐसा नहीं करना है। हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान। आपके लिए मेरे पास कुछ है, ये देखो, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बड़ा है। आपने बहुत छोटा कर दिया था, ईंट का खाना बता देना कितने तो। हाँ तो छोटा तो दिया, डॉक्टर ने आपको मना किया है ना, इसीलिए। चलिए अब इसे खोलेंगे और सब लोग खाएंगे। खोलो। क्रिसमस, आज क्रिसमस नहीं है ना बेटा, लो डैडी को खिलाओ। आपको थोड़ा सा खाना है ना। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, आई लव यू मेरा बच्चा। अब ये हैप्पी न्यू ईयर बोला, हैप्पी न्यू ईयर दादी जी। बोलो थैंक यू दादी जी। बोलो थैंक यू दादी जी। थैंक यू दादी जी। दादी जी देखो, आ रहा वीडियो में। देखो मम्मी ने मुझे ये चॉकलेट तो आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल, और सभी को गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, आप लोग के वहाँ ठंड कैसी है? हमारे यहाँ तक बहुत कड़ाके की ठंड है, एंड घूमने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें बंद पड़ी है, बंद हो गई है। एंड मेरी डॉटर के भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो अभी जस्ट डॉक्टर साहब आए थे, उनको इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम, तो इंजेक्शन लगाने आए थे। और एंड हस्बैंड जी आज के दिन भी वो ड्यूटी पे गए हैं, तो पता नहीं कुछ नया कोई अभियान वगैरह शुरू हो रहा है या उसका कुछ करना था, तो स्कूल गए हैं आज के दिन भी। तो वो तो सुबह सुबह स्कूल चले गए, एंड वो डॉक्टर को फ़ोन करके गए थे से आके इंजेक्शन लगा दे, तो अभी आए थे डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने। तो एंड मैं पूजा करने जा रही हूँ, पूजा करने जस्ट जा रही थी तो वैसे ही डॉक्टर साहब आ गए, तो मैंने कहा चलो इंजेक्शन पहले लगवा देते फिर पूजा करते। तो मैं नहा वाली है और अब चलती हूँ मैं पूजा करने। पूजा करने पहले अभी पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। हाँ जी बेटा, तो कर लिए हमने पूजा और चलते हैं अब रोटी बनाने हर्षो के लिए। सब्जी बना लिया था सुबह के टाइम, और राइस भी बनाए थे हस्बैंड के लिए और हर्षो के लिए, और अपने लिए चलते हैं रोटी बनाने। कुछ आज न्यू ईयर है तो कुछ खास नहीं बनाएंगे,
मटर पनीर की सब्जी बनाई है। अब रोटी बनाना है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है हर्षो को सादा खाना खिलाने के लिए। अभी उसको क्या दिक्कत है, पेट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उल्टियाँ हो रही है कि ठंड लगी है, तो कुछ खा नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर ने कहा इसको सादा खाना खिलाने के लिए। तो सादी रोटी बनाएंगे और सब्जी बन गई है तो बनाते हैं रोटी, और फिर साथ ही हर्षिक के लिए रोटी बना देते हैं और फिर उसको खिलाते खिलाते अपनी चाय भी पी लेंगे। तो अभी बनाते हैं हर्षिक। बन गई है रोटी हर्ष के लिए। चलिए हर्ष को अब खिलाते हैं खाना। आइए बैठिए बेटा, गोदी में बैठोगे आप, पी लीजिए बेटा, बस लास्ट 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 जल्दी सिर्फ पी लेते, और मेरा तो घुट गल है ना, आप पी लीजिए पी लीजिए, दावी भाई पी लीजिए। आ सारे सारे व्यूवर्स कहेंगे हर्षिका गंदी बच्ची है, ये तो नहीं पीता, सारे गाइस कहेंगे ये तो गंदी बच्ची है। बोलो हेलो गाइस, देखो मैं अपने कितनी स्ट्रांग गर्ल हूँ, मैं जल्दी से मेडिसिन ले लेती हूँ, जल्दी से ले लो मेरे बच्चे। आपके गाइस सारे ना वो कहेंगे, व्यूअर्स कहेंगे हर्ष गंदी बच्ची है, नहीं पीती है, पी लीजिए ना प्लीज बेटा। अच्छा अब नहीं पिलाएंगे, लास्ट यही लास्ट यही लास्ट है, अब उसके नहीं। मैं मीठा आती पानी पिला दूंगी, उसके बाद आपको चॉकलेट दूंगी, पिंकी प्रॉमिस चॉकलेट खिला देंगे। गुड गर्ल, शाबाश, ये लो पानी पीजिए पानी पीजिए। बच्चों की तो मीठी दवाई होती है, अच्छी लीजिए, ले लीजिए आपकी चॉकलेट, ये लीजिए चॉकलेट खा लीजिए, अब नहीं कड़वी लगी, ठीक है। देखिए मेरी बेटी ने कितनी अच्छे से दवाई खा लेती है, मेरी बाबू तो गुड गर्ल है ना। आप कुछ कहना चाहोगे हैप्पी न्यू ईयर के लिए? हाँ। बोल दो तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर ना। ये देखो हस्बैंड जी आ गए ड्यूटी से, न्यू ईयर वाले दिन ड्यूटी जाते हैं, ये आ गए ड्यूटी से और आते कपड़े चेंज करने लग गए अपने। और हर्षु के लिए क्या लाए हर्षु? लड्डू। कौन सा लड्डू है? छोटा भीम वाला, और पापा मेरे लिए चॉकलेट भी लाया है, बाकी कल खाऊंगी, मुंह कड़वा हो गया था तो मैंने खा लिया था। अच्छा बहुत टेस्टी। चल गया हमारा हीटर, हम ऐसे आग सेक के न्यू ईयर मनाएंगे घर में बैठ के। हाय, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। और हम न्यू ईयर कहाँ मना रहे हैं? न्यू ईयर हम लोग मना रहे हैं अपने घर पर। हर्षु कहाँ बैठे हो आप? ये बुड्ढे पापा कौन है? पापा? बुड्ढे पापा, अरे बुड्ढे पापा बनाई है इसने। अरे कान तो नहीं गचो, फिर गिर जाओगे आप। बन रही है शाम की चाय, सारा दिन यूं ही निकल गया आज हम, और काफी ठंडी हो रही है, ठंडी में भी देख सकती हूँ मेरे पिंपल्स निकल गए हैं यहाँ, पता नहीं क्यों निकल रहा है। एंड काफ़ी ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। बेटी बीमार है उसकी वजह से, उसको कहीं निकाल भी नहीं सक रहे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अभी फ़िलहाल वो सो रही है और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। वो इतनी ज़्यादा ठंडी थी इसे, वो भी आए ड्यूटी से और आके सो गए, तो अब उठ गए तो उनके लिए हम चाय बना रही हैं, चाय बना के ले जाते हैं। ये देखिए पतिदेव को चाय पीते हुए अपने फ़ोन के मजे ले रहे हैं, सर्दी के मजे तो आदमी लोग होते ही है। तो आइए चाय पी लीजिए आप लोग। सिखा देते हैं आपके पापा कैसे करते हैं कलर। बाहर नहीं निकलना चाहिए कलर, आराम से करिए।
वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अभी बज के शाम के 7 और अभी हर्षो को इंजेक्शन लगाया अभी शाम के वाला, तो हर्षो काफ़ी तंग कर रही है। और खाने के लिए मैंने पुलाव के लिए सब्जियां काटी थी तो, पर ये हर्षो ज़्यादा तंग कर रहे थे इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, हस्बैंड बना रहे हैं और मैं इसके साथ हूँ। ये कह रही है नहीं आप ही के साथ मैं रहूँगी, तंग कर रही है ये काफ़ी, तो मैं इसके साथ हूँ। ऐसा हमारा आज का न्यू ईयर का दिन जा रहा है, पूरा ऐसा बीत रहा है। आप लोगों का कैसा बीता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों का तो ऐसे ही बोरिंग सा बीत रहा है, बच्चे का इंजेक्शन लगवा रहे हैं सारा। एंड पुलाव कैसे बनाते हैं हम लोग, मेरी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी पहले से, तो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बना रहे हैं, आप लोग कैसे बना रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाहे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं मेरे ये भी बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ब्लॉग्स मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचती रहे। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हो गई है रात और गुड नाइट सभी को, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हमारी तो कुछ न्यू ईयर कुछ खास नहीं रही, बट आपकी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि। लाइव हो गया, गुड नाइट एवरीवन।